श्रीमद् भागवतम तृतीय सर्ग 33वां अध्याय कपिल के कार्यकलाप। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्तियोग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गईं। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं में वितरित कर दी हैं, जिसके बल पर ह्रिय शिजगत की उत्पत्ति पालन तथा सहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दहृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वटवृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। ऐ भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पापात्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं? यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जन्माएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोम भगवान विष्णु अर्थात परब्रह्म हैं। सारे ऋषिमुनि इंद्रियों तथा मन के उद्गेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्मसाक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर जन्म में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं, वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं, वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर भगवान कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। अपने पुत्र के उपदेशानुसार देवहूति उसी आश्रम में भक्तियोग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में समाधि लगाई जो फूलों से इस प्रकार सुसज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। वे तीन बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए।
तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहीं। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाया दूध के फेन के समान श्वेत थी, कुर्सियां तथा बेंचें हाथीदांत की बनी थी और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थी तथा पलंग सोने के बने थे जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थी। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। वहां प्रकाश की आवश्यकता न थी क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थी। मुख्य घर का आंगन सुंदर बगीचों से घिरा था जिनमें मधुर सुगंधित फूल तथा अनेक वृक्ष थे जिनमें ताजे फल उत्पन्न होते थे और वे ऊंचे तथा सुंदर थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण यह था कि गाते पक्षी वृक्षों पर बैठते और उनके कलरब से तथा मधुमक्खियों की गुंजार से सारा वातावरण यथासंभव मोहक बना हुआ था। जब देवहूति उस सुंदर बगीचे में कमल फूलों से भरे हुए ताल में स्नान करने के लिए प्रवेश करती तो स्वर्गवासियों के संगी गंधर्वगण कर्दम के महिमा में गृहस्थ जीवन का गुणगान करते। देवहूति के महान पति कर्दम उन्हें सभी कालों में सुरक्षा प्रदान करते रहे। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थी, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें यह शोक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। हे विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिलदेव का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति अनासक्त हो उठी। तत्पश्चात निरंतर हंसमुख अपने पुत्र भगवान कपिलदेव से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं विस्तार पूर्वक सुनकर देवहूति परमेश्वर के विष्णु स्वरूप का निरंतर ध्यान करने लगी। उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया। चूंकि उनका वैराग्य प्रबल था, अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे ब्रह्मा साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई, उनका हृदय शुद्ध हो गया, वे भगवान के ध्यान में पूर्णतः निमग्न हो गईं और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्मा का बोध हो गया। ब्रह्मसिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गईं। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। उसके शरीर की देखभाल उसके पति कर्दम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानस की चिंता न थी, अत उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुधि भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। ऐ विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्धपद के नाम से विख्यात है। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों,
मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित, कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है।